कहानी दिखाई दे जाए, मार धार सब धार खून खराब सब कुछ होता है,
पर्दा गंदा हो गया कि नहीं हो गया, जिस व्रत में जो पर्दा पिक्चर देखते हैं पर्दा जाते हैं और उतना शुद्ध होता है। ठीक इसी प्रकार अधिष्ठान रूपी आत्मा के ऊपर जगत की प्रकृति होने पर भी कितना भी जीवन में ऊपर नीचे चला होता हो जाकर आत्मा शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। इसलिए इसको समझना ही आपको मनाना है, एकत्व तो बुद्धि में शुद्ध आत्मा इसको आपको बनाना है, उससे भिन्न भेद बुद्धि को लेकर के अपना व्यवहार करके बनाता है। ठीक है, अपूर्णता के ज्ञान रह करके व्यवहार करते हैं तो उसमें वहाँ पर कारपन नहीं आता कि वो चाहता कि किसी वस्तु से कोई उनका अभिप्राय शुद्ध नहीं था निश्चय रहने के कारण। इस योग की ना मतलब इस प्रकार की इस को समझना, हमने अनेक प्रकार की 18 योग की अध्याय के हम लोगों ने भगवद्गीता में देखी, सभी मानव को कार्य का कारण इस योग का नाम क्या दिया, अस्पर्श योग वही नाम सर्वसत्य सुखित योगी नाम में अभय ना? योग का नाम है अस्पर्श योग। क्यों इसको बोलते हैं कि अभी तक किसी भी व्यक्ति की साधन की सामान्य व्यक्ति को अपने उपाधि के साथ मिला करके देखने का ही अभ्यास है, ये अभ्यास हुआ है मन की एक स्वाभाविक धर्म है। मन शुद्ध होने पर धीरे धीरे उपाधि के साथ आत्मा छोड़ते हैं तो आत्मा की जो अधिष्ठान के साथ एक होने के कारण अपनी असंगता अपनी गर्वता अपनी अस्पृश्यता को समझ में आए। पर व्यक्ति सोचता है कि मैं यदि आत्मतत्व को जानूंगा तो मेरा मतलब आत्मा अस्तित्व ही खुल जाएगा, शरीर का अस्तित्व चले जाएगा। स्पर्श योग नाम सर्व सत्य सुख सबको सुखायक है, सुखदायक है। अकेले में बैठ करके साधन के लिए ध्यान भजन करना, मिल के रहना, एक दूसरे से रहना, ये सभी के लिए सुखदायक। परंतु योगी लोग मतलब कि आत्मनिष्ठ भिन्न योगी लोग द्वैत में व्यवहार करना देख लो इस अभय पद में भय दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं यदि इसको जानूंगा तब तो मेरा अस्तित्व ही खो जाएगा, मैं रहूँगा ही, मैं अब दूसरे व्यक्ति के सामने होता वेदांत ज्ञान के बाद क्या करना है, क्या होता है, होता क्या है, अपनी पूर्णता असंगता ज्ञान का पता नहीं, एक होता है बोलना कुछ नहीं है। जब तक होता क्या है कि भाग है तब तक क्या ये होता ही नहीं है, बचत की बात है ना, कि कुछ बस कुछ नहीं होता है स्वसंग पूर्णता है। अद्वित सिद्धांत का मुख्य मतलब आधार हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, इसका 42 तक हो गया था, 43 तक पूरा हो गई, 44 से शुरू होगा। अच्छा, तो वहाँ पे क्या दिखाया कि मन की जो अलग अलग स्थिति को दिखाया, मन का स्वाभाविक स्थिति क्या है, विक्षिप्त है विषय को प्रतिद्वंद। अब जब विचार पूर्व वेदांतिक समाधि क्या है, विचार पूर्वक जब हमें निश्चय हो जाता है कि बाहरी कोई वस्तु हमारे काम के नहीं है, जिस प्रकार हम स्वाप्निक वस्तु को देखते हैं और जब हमारा निश्चय रहता है स्वाप्निक वस्तु हमारा कोई काम का नहीं है तो हम स्वाप्निक वस्तु को लेकर के विचार करते हैं। अब मन इस प्रकार से मन जब बाहरी विषय संबंधित निश्चय कर लेता है कि यहाँ पर कोई पारमार्थिक जब्त वस्तु नहीं है तो स्वाभाविक मन की क्या होता है, बाहरी विषय संबंधित चिंता रुक जाता है। तो ये विक्षेप रोकने के लिए वेदांतिक सिद्धांतों के अनुसार आपको क्या करना पड़ता है कि बार बार विचार पूर्वक ये निश्चय करना जरूरत के लिए, तब फिर मन को बाहर भी चलता है। परंतु इतना देर तक हमने आज तक मन को ये भी एक अभ्यास करा, क्या अभ्यास करें, जब मैं बत्ती बुत्ती बंद करके हाँ थोड़ा बैठता हूँ तब तुम्हें समय सोने के लिए बोलता हूँ, मन को यही सोचा अगर तुम समय अपने ठीक है बत्ती बुत्ती बंद करके बैठो तो मेरे को सोने के लिए बोल, मन सोने की कोशिश करें। तो ये जो विक्षिप्त अवस्था लय अवस्था इन दोनों से मन को बचाना है, विक्षिप्त से उठाना है लय में भी जाना है। परंतु इसके बीच में तृतीय स्थिति भी है, वो तृतीय स्थिति क्या है, वो विक्षिप्त भी नहीं होता सोता भी नहीं है परंतु अपने अभिष्ट वस्तु का चिंतन में मन नहीं करता है ना। लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समय सकसाय आगे बहुत शुरू होगा हमारा ना। ये यहाँ पे पहले बोल कर कहा था कि उपायेन निघ्नयात् विक्षिप्तं काम भोग है ना, काम और भोग को वस्तु, काम क्या हो गया अभिष्ट वस्तु की चिंतन और भोग क्या हो गया अभिष्ट वस्तु को प्राप्ति के बाद उसका भोग, इन दोनों के द्वारा क्या जो मन विक्षिप्त है उसको उपाय पूर्वक निग्रहित करना चाहिए। और मान लीजिए मन लय प्राप्त कर गया उसको उठाइए, मन समाधि के कोई विषय उस वस्तु में मन लग इकट्ठा करके आनंद है सुप्रसन्नम उससे भी जो है उठान लय सुप्रसन्नम लय चेत
तो वहाँ किसान को तो सुप्रसन्न है, फिर उसको जगाना क्यों चाहिए? बोलते क्योंकि उस समय आप जो इंद्रियों की विषय करिए मन का विषय बन करके अपने अविष्ट वस्तु से आनंद लेंगे, परंतु आत्मा मन का विषय नहीं है। इसीलिए इस विषय में वो समाधि का आनंद से भी ऊपर उठना चाहिए। सामान्य योग दर्शन में जैसे बताया हुआ है उस सुप्रसन्न लय, क्योंकि समझना यथा काम लयस तथा, जैसा काम मतलब भोग वस्तु के कारण मानसिक विक्षिप्तता और जो है कुछ नहीं होता है, इस प्रकार मन को सो जाना देना, दोनों ही जो है आत्मज्ञान प्रतिबंधक। और योग दर्शन के अनुसार जो समाधि के बारे में कथन करते हैं उस प्रकार की समाधि मतलब वितर्क विचार आनंद स्मृति आदि स्थूल वस्तु में मन को रखना, ये आपका मन के विषय बन करके जो मन स्थिर होता है एक जगह पे, उससे भी आनंद होता है, उससे मन स्थिर होने की प्रक्रिया तो अपना है, वहाँ से भी मन पकड़ना है। अब कैसे हम मन को हटा बाहरी वस्तु से, तो उसके लिए क्या वो क्या बोले थे श्लोक 43 एक साथ पढ़ेंगे, ये देखिए प्रक्रिया को बताइए। दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगानि वर्तये, अहं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव पश्यति। जीवन के व्यक्ति का अपने जीवन का अनुभव के साथ वह आनंद प्राप्ति के लिए आनंद उपभोग करने के लिए भोग वस्तु को जिंदगी भर इकट्ठा करता रहता है और अंतिम परिणति कहता है दुखम एवं सर्वम विवेकिना, है ना, अंतिम उसको दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए दुखम सर्वम अनुस्मृत, बार बार ये चिंतन करना चाहिए संसार के जो भी वस्तु हमारे पास भोग वस्तु में दिखाई पड़ रहा है वो दुखदायी होता है। दुखम एवं सर्वम विवेकिना, विवेकी व्यक्ति के लिए सारा वस्तु संसारी वस्तु दुखदायी होता है। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगात निवर्तये, मन को बार बार वहाँ से भोग वस्तु की चिंता, भोग वस्तु की भोग की इच्छा और भोग यहाँ से मन को हटाए, यहाँ से मन को हटाना चाहिए। यही जो है कि जीवन के अनुभव का द्वारा इसी को देखो, एक श्लोक में हमारा मन को पर मुंडक पर से बोलते हैं परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मण निर्वेद आया नास्ती अर्थ। इसी को व्यस्त जी ने पाथा तो अथ 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 जिस किस का जो कि दूसरे से बढ़ते जैसे परीक्षा लोकान कर्म चितान ब्राह्मण ने ये इसलिए है दुखम सर्व मनुष्य में तो काम होगा निवर्त। ये चीज़ हमको संसार में कोई भी भोग वस्तु चाहे कितना भी मतलब सुखदायी हो कितना भी अर्थशाली हो किंतु आज दिन में दुख में प्रणाम हो जाता है, इसको जीवन का अनुभव अर्थशाली मिला करके समस्त भोग वस्तु से मन को वेदांत के मुख्य दो साधन है बोध और वैराग्य। बोध मतलब विवेक पूर्वक वस्तु को देखने की अभ्यास करते करते क्या होता है बस वो विवेकात्मक दृष्टि आ जाता है, देखेंगे अहंकार पर दृष्टि होगी सोने, देखेंगे नाम रूप को दृष्टि होगी सच्चिदान, ये बोध। और वैग्य कैसे कब होगा जब नाम रूप से वैराग्य हो जाए, जब नाम रूप से वैराग्य हो जाए, है ना, बोध और वैराग्य को सहारी आदि है मतलब मुक्ति की सबसे उच्च शोध कर्म पहुँच सकते हैं। दुखम सर्व मनुष्य में तो काम भोगा निवर्त है, और जो है संसारी पुत्र तो है हमारे सामने क्या करो उसको मंत्र बोलता क्या बोल सकते अजम सर्व मनुष्य में तो जानकर निवृत्त कर सकते आर्मर्थिक भाग उत्पत्ति होना संभव नहीं है। ये माया जो है क्या करते हैं एक शुद्ध चेतन तत्व को अनेक नाम रूप में खड़ा करके हमारे सामने ला करते है ना, यही अजम सर्वम अनुस्मृत बार बार शास्त्र के आधार पर जिस तत्व शास्त्र में जिस तत्व को जगत के मूल कारण के रूप में दिखाया है उस वस्तु में कारणता की योग्यता ही नहीं है। एकमात्र विवर्त कारण हो सकता है जन्म हुआ दृष्टि के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्व वस्तु दिखाई नहीं पड़ती प्रवृत्ति होती है। इसीलिए अजम सर्वम अनुस्मृत बार 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 गुरुमुख से शास्त्र को सुन करके इसको स्मरण करते हैं नई नई वास्तविक दृष्टि नहीं है। तो ये हृदय दुखम सर्वम अनुस्मृत काम होगा निवर्तन अथम अजम सर्वम अनुस्मृत जातम नहीं प्रदर्शित भोग को दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार अभ्यास करते करते मन जब उस व्यक्ति का सुना जाए अब क्या हो जाएगा कि आगे उसको लेकर के हो गया ये 43 तक हो गया था अब 44 से शुरू होगा। देखिए 44 में बोलते हैं ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्याम टीका का ठीक है ना, ज्ञानाभ्यास और वैराग्याभ्याम लयात विक्षेपाच है ना। जब हम ज्ञानाभ्यास करेंगे तो विचार करेंगे
विचार करेंगे देखो मन आसानी से लय प्राप्त तो नहीं करता। आप खुद देखो सामान्य व्यवहारिक जीवन में यदि कोई दुश्चिंता मन में घुस जाए तो निद्रा नहीं आती, ठीक है ना। शरीर के लिए कोई चिंता मन होते तो इसी प्रकार से जब ये जगत शब्द है इसको जब तक मैं समझूंगा तब तक रुकूंगा, इस प्रकार के लिए चिंता मन में निश्चय कर लेते हैं तो मन आसानी से सुनेंगे, है ना। इसीलिए योग ज्ञानाभ्यास और ज्ञानाभ्यास का सेकंड है वैराग्य, क्योंकि ज्ञानाभ्यास मतलब विवेक पूर्वक देखने की अभ्यास, अपने नाम रूप और अर्थ क्रिया करने के अंदर सच्चिदानंद को देखने का अपने अभ्यास किया, फल तो क्या हो गया नाम रूप और अर्थ क्रिया करने से वैराग्य। ज्ञानाभ्यास और वैराग्य इन दोनों के द्वारा लया और ज्ञानाभ्यास करेंगे तो क्या होगा मन लय नहीं प्राप्त करता, विचार करते रहेगा मन सोएगा नहीं। और वैराग्य किसे कहेगा विक्षेप संसारिक वस्तु से विक्षेप, फिर से मन को वैराग्य वहाँ पर कुछ है कि हमारे लिए काम का नहीं है तो क्या होता है विक्षिप्त तो नहीं होता, एक जगह दृष्टि। इसलिए बोलते हैं ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्याम लयात विक्षेपाच लय और विक्षेप दोनों से, है ना। विचार चलता रहेगा तो मन लय प्राप्त तो नहीं करेगा और वैराग्य है तो मन बाहरी वस्तु के प्रति नहीं रहेगा। इस प्रकार से मन राग प्रतिबंधम, है ना। मन पहले क्या देखिए राग के द्वारा जो प्रतिबंधित था है विषय प्रसक्ति का श्रवण मनन निधिध्यासन अभ्यास प्रसुत, वो मन श्रवण मनन निधिध्यासन से बार बार अभ्यास करने का फल चलू उससे उत्पन्न होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन अभ्यास इसका अभ्यास करने पर श्रवण किया गुरु वाक्य को शास्त्र वाक्य को मनन किया युक्ति पूर्वक इसका निश्चय किया, निश्चय का नहीं यही है संसार में कोई उत्पत्ति होना संभव नहीं है, इस प्रकार निश्चय के फल से उस प्रसोतम संप्रज्ञात समाधि ना तो संप्रज्ञात समाधि अंगों क्यों इसका परिभाषा वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात है ना। स्थूल वस्तु फिर सूक्ष्म वस्तु फिर जो है एक जगह में मन स्थिर होने के कारण जो आनंद है उस आनंद में मन को रखना फिर उसके बाद आनंद की दृष्टा नहीं अस्मिता इस प्रकार विषय रूप में और वितर्क विचार आनंद दर्शन इस प्रकार से मन जब धीरे धीरे एक होता है योग दर्शन में इसको संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि फिर उसके बाद क्या बोला असंप्रज्ञात समाधि पढ़े मतलब विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेष अन्न। अब क्या है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक जो अभी क्या है मैं आनंद की दृष्टा अभी से अब मैं आनंद की दृष्टा नहीं वो जो प्रत्यय वृत्ति चल रहा था उसको रोक करके मैं आनंद स्वरूप मतलब वृत्ति ने अपने आप को भाव अपने आप अनुभव किया इस प्रकार की जो स्थिति मन की इसको बोलते हैं असंप्रज्ञात। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे श्रवण मनन निधिध्यास देखिए एक जगह अस्मिता में मैं आनंद का दृष्टा हो गया और बाद में कहा जाएगा मैं आनंद स्वरूप। तो इस प्रकार से रूप श्रवण मनन निधिध्यासन अभ्यास प्रसुष का अभ्यास से उत्पन्न होता है संप्रज्ञात समाधि न असंप्रज्ञात समाधि पर्यंत कहाँ से इस प्रकार स्थूल से लेकर के धीरे 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 करते करते असंप्रज्ञात समाधि तक तत्व भी प्रतिबद्ध है क्योंकि अभी भी वो विषय रूप में आपके साथ आ रहा है। इसलिए प्रतिबद्ध व्यवर्थ नियम वहाँ से भी मन को हटाना चाहिए क्योंकि आत्मा ध्यान का विषय नहीं शुद्ध आत्मा ध्यान का भी विषय नहीं था वहाँ से भी मन को उसमें आनंद तो बहुत आता है मन स्थिर होने पर फिर मन स्वरूप इसको मन आनंद स्वरूप सोचने पर ये वृत्ति रूप से हट जाना चाहिए वृत्ति से हट जाना इसलिए होता है प्रतिबद्धा व्यवर्तनीय उससे भी मन को हटाना चाहिए यदि आहुषि को मन में रखते हुए अब श्लोक में आगे लय संबोधय चित्तम लये संबोधे चित्तं विक्षिप्तं समयेत् पुनः विक्षिप्तं समयेत् पुनः सकाशायं विजानीयात् सकाशायं विजानीयात् समं प्राप्तं न चालये समं प्राप्तं न चालये लये संबोधे चित्तं विक्षिप्तं समयेत् पुनः सकाशायं विजानीयात् समं प्राप्तं न चालयेत्।
लय जब चित्त को अपने विक्षेप से हटा लिया तो उसको मन सोने की इच्छा करता है, जब सोने की इच्छा करते हैं उसको फिर जगाओ। लय हो जाने पर लय चित्तम संबोध है, लय हो जाने पर चित्त को सोने फिर जगाना चाहिए। विक्षिप्त में आपने जगाया फिर वो अपने पहले की तरह विषय को ढूंढने लग जाता है, विक्षिप्त हो गया तो विक्षिप्त समय फिर उसको जाकर अपने बस में रहना चाहिए। अब ऐसा अभ्यास करते करते आपने कभी सुन नहीं दे रहा है, अब हमने भी नहीं दे रहा तो वो गुस्सा हो जाता है। सकासन क्या करना चाहिए, अरे मरण करो, निधि दर्शन करो, वो तो नहीं करो, सोऊंगा भी नहीं, विषय की तरफ भी नहीं जाऊँगा, वेदांत विचार भी नहीं करूँगा, अरे विचित्र बात है, आपने सुने भी नहीं दिया उसको, ठीक है ना, उसको विषय की ओर भी जाने नहीं दिया, और वो तो बोलते मैं वेदांत विचार भी नहीं करूँगा, ये मर की स्थिति वेदांत क्वेश्चन में क्या बोलता है। सकाशा इस स्थिति को समझना चाहिए अच्छी तरह से, यहाँ पे कहीं जाते कंफ्यूज हो जाते है ना, कि मन जो है कि कुछ विचार नहीं कर रहा, मतलब हो सकता है कांत तत्व साक्षात्कार हो गया, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन अभी भी वो जो पूर्णता की जो आनंद है, पूर्णता की असंगता की आनंद है, वो जीवन मुक्ति का आनंद ऐसा अनुभव नहीं आ रहा, इसलिए बोलते हैं सकाशायम विजानी। अब जो है मन जब समय समभाव को प्राप्त होता है, ना सोता है, ना विक्षिप्त होता है, ना वेदांत तो विचार के सारू जो तत्व है उसकी समता की निर्दोष समम ब्रह्म तस्मात्र समभाव को प्राप्त होता है, व्यवहार से धीरे धीरे पता लगे, हर अवस्था में एक ही रूप में है ना, मन किसी ने कुछ विक्षिप्त हो, कुछ बोला, कुछ कुछ दिया, कुछ कुछ नहीं दिया, मतलब कुछ नहीं है, मन को कुछ फर्क नहीं है, इस अवस्था में समम प्राप्त एक व्यापकाकार शुद्ध रूप में विषय रूप में उस भाव में विद्यमान रहते हैं, इसी को मन इस अवस्था में आने पर फिर मन को विक्षिप्त न करे, फिर मन को विक्षिप्त न करे। यहाँ पे देखिए एक नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है ना, लय नंबर टिप्पणी देखिए, एवं इस प्रकार से वैराग्य भावना तत्व दर्शनाभ्याम, तो पहला क्या है हमारा वैराग्य भावना, ठीक है ना, संसारिक वस्तु के आध्यात्मिक शोक नहीं है, ये वैराग्य भावना, तत्व दर्शन दर्शनाभ्याम, दूसरे क्या है ये वस्तु में तत्व दृष्टि डालना, जो पहले ऊपर बोलकर कहते हैं ना हमारे ज्ञान अभ्यास वैराग्याभ्याम, यहाँ पे हमारे यहाँ पे टिप्पणी करने का वैराग्य को पहले लाया और ज्ञान अभ्यास को जो है मतलब वैराग्य आने पर तत्व दर्शनाभ्याम, तत्व के दर्शन के अभाव से है ना वैराग्य भावना कर्त दर्शनाभ्यम विषयेभ्य निवर्त्य मानम चित्तम, है ना, विषयों से हटाया गया उठा गया है जिस मन को चित्त को, विषयेभ्य निवर्त्य मानम चित्तम योगे चित्त को, एवं वैराग्य भावना तत्व दर्शनाभ्यम विषयेभ्य निवर्त्य मानम चित्तम। यदि आप यदि क्या हो गया कि अच्छा अभ्यास करें दैनंदिन लय अभ्यास वसात, अब रोज हमारे सोने की इच्छा है, दैनंदिन हम इस अभ्यास को करते हैं तो उसके फल जब वो अभ्यास हमने छूटा है, जैसे आप शांत होकर के बैठते हैं, हमें कुछ नहीं सोचो का बनते बोलते बन जाएंगे, उसकी अभ्यास करने मन लय प्राप्त होने सोने की इच्छा है, सोते यदि दैनंदिन लय अभ्यास वसात, दैनंदिन लय के अभ्यास के फलस्वरूप लय अभिमुखम भवे, मैं मन सोने की इच्छा करता है, चित्त सोने की इच्छा करते हैं, यदि ऐसा होता है तदा निद्रा, देखिए यहाँ पे जो है ये क्यों ऐसा होता है, क्यों बार बार मन सोने की इच्छा क्यों करता है, एक हो गया निद्रा शेष अजीर्ण बहु असन श्रमान लय कारण, ये चीज ध्यान रखना अच्छी तरह से, निद्रा पूरी होनी चाहिए, सूर्य जो मन बोला युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोध से, निद्रा भी जितना चाहिए शरीर के लिए उतना होना चाहिए, यदि निद्रा पूरा नहीं होता तो फिर जब बड़ा निद्रा की कोशिश करें, जैसे पहले बड़ा निद्रा से फिर अर्जी का खाना पीना खाया होगा अच्छा नहीं, इसलिए भी मन सोने नहीं बचा था, सेकेंड नहीं, थर्ड बहुवचन परिमाण से अधिक खा लेना, परिमित खाना से नियमित रूप से परिमित आहार योग दर्शन के सबसे अच्छा होगा, नियमित रूप से परिमित आहार, इस प्रकार कोई बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलता है, वन टैबलेट ट्वाइस डेली, वन टैबलेट ट्वाइस डेली फॉर 7 डेज, है
है ना, जिसे नियमित रूप से परिमित आहार रोज 7 दिन लेना पड़ेगा नियमित रूप से, अपरिमित मतलब एक टैबलेट अधिक न दो बस। किसी प्रकार से भोजन को भी ऐसा ही नियमित रूप से परिमित करना चाहिए, बस इतने हमारे शरीर के लिए चाहिए, उससे अभ्यस्त हो जाता है। अजीर्ण बहु अशुपन्था भी खा लिया तो हमारे लिए व्यंजन कारण बन जाएगा, और अधिक परिश्रम करना भी जो उत्पन्न होता क्या होता है साधन में विघ्न बन जाता है। श्रमानाम है ना, निद्रा शेष अजीर्ण बहुवचन समान, ये हो गया लय कारण, ये मन की लय के लिए हेतु होता है। निरोध है ना, इन चारों को अपने अभ्यास पूर्वक निरोध कर देने के फलस्वरूप चित्तम सम्यक प्रबोध है, चित्त सम्यक से जा रहा है, चित्त को सम्यक से जा रहा है। या फिर ध्यान जो हमने देखा कि निद्रा की मात्रा को ना आप सोचेंगे कितना चाहिए, निद्रा शेष ये आपके अभ्यास के ऊपर, आप जितना करेंगे कि कोई व्यक्ति 7 घंटा 8 घंटा भी सो सकता है, नहीं सो सकता, क्योंकि आहार निद्रा भय और मैथुन ये चार चीज़ क्या होता है, हम अभ्यास के द्वारा जितना बढ़ाते हैं बढ़ता जाते हैं और जितना घटाएंगे तो काटर होता है। आहार निद्रा भय और मैथुन इसके यही चीज इतनी खूब है, आहार भी अगर खाता है तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, डर भी कुछ नहीं है फिर भी डर जाते हैं, और एक बार डर के व्यक्ति मन में बन के ना डरते नहीं है। इस प्रकार से ये चीज़ें और निद्रा शेष अजीर्ण बहुवत समानाम लय कारणानाम निरोधे न चित्तम सम्यक प्रबोधे, मतलब उत्थान प्रयत्न नहीं, मतलब हमेशा जगा कर रखना चाहिए, इस प्रयास के द्वारा मन हमेशा जागरूक रखना चाहिए। कुछ भी वस्तु सामने देखे जितना भी ऐश्वर्यशाली और कितना भी घटिया हो मन में कुछ विक्षेप नहीं आया, मन इसमें क्या है वो क्या है कुछ नहीं है, एक सच्चिदानंद है कुछ नहीं, ये भाव है प्रबोध है उत्थान प्रयत्न है। यदि पुनर्एवं ठीक है, आपने इस प्रकार मन को हमेशा जगह के रखने का अभ्यास कर लिया, परंतु पुराना अभ्यास ये भी है क्या विषय के उल्लोभन है ना, कोई चाचिकता अथवा कोई रूप अथवा शब्द स्पर्श रूप प्रसन्न दिखाई दिया फिर मनोदर्दों में रखना, किसी को बोलते हैं यदि पुनर्एवं प्रवर्धमान इस प्रकार जगा हुआ मन चित्त प्रवर्धमान चित्त दैनंदिन प्रबोध अभ्यास वसा, अब तक ये रोज हमारा काम काज के लिए कोई हमारा बस विषय है जिसके प्रति मन को ले जाना पड़ता है, किसी प्रकार काम के लिए दैनंदिन प्रबोध रोज हमें जगने की एक अभ्यास बना हुआ है, जग कर उठ के हम क्या करते हैं हमारे बाहरी विषय को जहाँ जाए जो काम वहाँ पर मन ले जाता है, ये भी एक अभ्यास बने हुए, इसलिए बोलते हैं आपके दैनंदिन प्रबोध अभ्यास वसा काम हो गए हो विक्षिप्त सत काम और मतलब भोग वस्तु की चिंता आराम ये करना वो करिए मिलेगा वो मिलेगा सेला होगा ये भोग वस्तु काम और भोग है विक्षिप्त है काम और भोग के मतलब उसमें मन फिर विक्षिप्त हो जाता है फिर विक्षिप्त हो जाता है। यदि ऐसा होता है तदा वैराग्य भाव नया तत्व साक्षात्कार पुनः समय दिए, उस समय वैराग्य की भावना आज तक तो मैंने संसार की वस्तु कितना चिंतन किया कोई लाभदायी तो नहीं, मन से क्या लाभ होगा इस प्रकार बार बार विचार कर तो वैराग्य भावना और हमें तो आत्म साक्षात्कार मैं असंख्य हूँ व्यापक हूँ, ऐसा संसार में कोई भी वस्तु नहीं है जो मेरे पास नहीं है जिसके साथ मेरा जो है अब जिससे मेरा कुछ प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, तो मैं पूर्ण व्यापक हूँ तो मेरे पास है ही नहीं, मैं सभी में मैं ही हूँ, इस प्रकार से जो है तत्व प्रबोध साक्षात्कार के माध्यम से जब पूर्ण समय फिर विक्षिप्त मन के सुमन को समय वक्त अपने बस में कर लेना चाहिए, एवं पुनः पुनः अभ्यास इस प्रकार बाहर भागता है मैं आपने मन को सुने भी नहीं दे रहे हैं और बाहर भागने भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार बार बार अभ्यास के फलस्वरूप एवं पुनः पुनः अभ्यास लयात स्वबोधित विषयभ्य व्यवर्तित ना समुप्राप्त अंतरल अवस्था चित्तम स्तब्धीभूत, ये देखिए शकाशा भाग को बोलते हैं यवन इस प्रकार से एवं पुनः पुनः अभ्यास इस प्रकार बार बार अभ्यास करने वाले का लयात संबोधित है लय से अपने चित्त को जगा दिया और विषय से व्यवर्तित और विषय से मन को उठा लिया, परंतु अभी भी मन है समता की जो भावना है ना उस भाव को प्राप्त नहीं, उस भाव को प्राप्त नहीं किया, आप कभी 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 जैसे वो होता तो अच्छा होता अथवा थोड़ा सो गया तो अच्छा होता, ये मन इस भाव को नहीं, ये भाव मतलब कभी बस
कुछ नहीं, हम इसको निद्रा विषय उसी दोनों के विषय में मेरा कोई आग्रह नहीं कर रहा है। इसलिए बोलते हैं ना भी समम प्राप्त अंतराल अवस्था चित्त, अनेक अंतराल अवस्था है चित्त की, वो क्या है स्तब्धी भूतम है ना, और लय भी प्राप्त नहीं है विषय भी नहीं, स्तब्धि भूत विषय का जो अविष्ट वस्तु भगवत चिंत गणेश्वर चिंता आत्मा उधर नहीं जाए उधर वो उसको प्रश्न इस भाग को बोलते हैं सकाशय कषाय भाग राग द्विषादि प्रबल वासना वशेन स्तब्धि भावाख्येन कषायेन युक्तम विजानीया। इस समय क्या है वो जो अंदर राग द्वेष है ना, तो राग द्वेष अभी तक तो नहीं हो पा रहा है, तब तो अंदर तो छुपा हुआ है, वो मन को धमा नहीं कर सकता, अरे ये होता तो अच्छा होता तो वो भी खराब है। आप अभिव्यक्त नहीं कर रहे, मतलब अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर अंदर ही चल रहा है, इसलिए वजह इसका है। इसलिए राग दिशा में प्रबल वासना वशन, राग दिशा का प्रबलता के कारण स्तब्धि भावाख्य ना, आप अंदर अंदर हो रहे हैं ना, आप किसी को अभिव्यक्त कर रहे हैं बाहर अभिव्यक्त नहीं, पता अपने अंदर ही चलता रहता है, तो आप अपने आप समझेंगे इस चीज़ को, ये बहुत क्रिटिकल स्थिति है ये, है ना। क्यों हमारे अंदर जन्मांतर में राग द्वेष पूर्ण रूप से उसका बीज मिटा नहीं, बीज नहीं मिटा, भला तो क्या चाहे कोई कुछ बोला, हमने कुछ नहीं बोला, शंका नहीं होता, तो अंदर अंदर कुछ रिएक्शन आता है, विश्व वस्तु वहाँ से भाग आने की इच्छा करता है। इस प्रकार से जो स्थिति होती है वो सकाशा स्थिति होते हैं, राग द्वेषादि प्रबल वासना वशेन स्तब्धि भावाख्येन कषायेन युक्तम मन, इसमें इस भाव से कषाय से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार समझना चाहिए, इस स्थिति को समझना चाहिए। लोगों को पता नहीं लगेगा, लोग सोचते हैं चुप बैठा हुआ है, अब मैं किसी को बोल दी, परंतु अंदर हम जानते हैं कि इसने मेरे पीर बना, तो उस पीर से पता पीर ना होता है वो नहीं बनना चाहता, वो नहीं बनना चाहता, तब क्या होता है तदस्य नैगम समाहितम। इसलिए ये जो है ना ये समाहित स्थिति नहीं है, सकषाय भाव जो है ये समाधि स्थिति नहीं है। तदस्य नैगम समाहितम अवगत्य, इस प्रकार जान करके लय विक्षेप अभ्याम की वजह, जिस प्रकार लय और विक्षेप से हम अपने मन को हटाते हैं, इसी प्रकार कषायाद अपि चित्तम निरुध्या, कषाय भाव से भी अपने चित्त को निरोध करना चाहिए, कषाय भाव से भी अपने चित्त को निरोध करना चाहिए, है ना। बाहर अभिव्यक्त नहीं हो रहा, लोग अपने आप समझ रहे करें तो बहुत अच्छा की प्रकट है, परंतु अंदर से उस व्यक्ति को जो है चिंतन विषय चिंतन नहीं होने के और नहीं हो पाने के कारण मन में एक जो स्तब्धि है ना, सो नहीं पाने के कारण मन में एक प्रकार की स्तब्धि, वो जो स्तब्धि इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए। लय विक्षेप अभ्याम एवं कषायाद अपि चित्तम निरुद्धा, ततश्च लय विक्षेप कषायेषु, अब तीनों में एक साथ ले लिया, अब क्या हो गया लय एक स्थिति, मन की विक्षेप एक स्थिति, कषाय भाव की एक स्थिति, कषाय येषु परिहितेषु, तीनों से आप जब मन को आप उठा, आप धीरे धीरे मन जो है विषय को देख करके भी कुछ भी विक्षेप मन में नहीं होता, मन में कोई गुच्छा नहीं होता, इस प्रकार परिहितेषु परिशेषा चित्तेन समम ब्रह्म प्राप्यते। परिशेष क्या होता है, चित्त जो है समता रूपी जो व्यापकता की भाव, उस भाव को प्राप्त हो जाता है, समता रूपी व्यापकता की भाव को चित्त प्राप्त हो जाता है, चित्तेन चित्त के द्वारा समम ब्रह्म प्राप्त, इस प्रकार समता की भाव को प्राप्त किया जो चित्त, उस चित्त लय कषाय भ्रांता न चाहे। अब यहाँ पे देखिए इस अवस्था में बोलते हैं कि यह तो लय अवस्था में चला गया मन, अथवा ये कषाय मन है, यह भी भ्रांति हो सकती है, ये विचित्र स्थिति है, कहीं हमारा मन लय में तो नहीं चला गया, ये कषाय भाव तो नहीं है, ये एकमात्र अपना भिन्न दूसरा कोई नहीं समझ सकता, ये मन की स्थिति को अपने आप बिना हमने लय और कषाय विक्षेप से आपने हटा लिया चला गया, अब आपके पास दो ही बताए, ये जोश हो जाएगा अथवा स्तब्धि भाव में रहेगा, और तीसरा जो सबसे अच्छे समभाव का रहेगा, तो कभी कभी जब समभाव में आया तब जानते हैं क्या मानो इसको तो नहीं गया, तब इसको जगाना चाहिए, अथवा क्या है सकषाय भाव तो नहीं है इसलिए इसको जगाना चाहिए,
और इसको बहुत अच्छी तरह समझा दे अमला की दृष्टि को विचार स्पष्ट रख करके तत्व समो प्राप्त चित्तम लय कषाय भ्रांत्य वो समो प्राप्ति जो लय और कषाय की भ्रांति से न चाले वो भी लय में चलेगा तो भ्रांति उसमें चालित नहीं करना चाहिए। मतलब विषय अभिमुख होना कुरिया है ना, विषय अभिमुख मन को नहीं होना चाहिए किंतु धृति की ही दया है ना। अत्यंत धैर्य ग्रहण करते शक्ति द्वितीया बुद्धिया है ना, धैर्य पूर्वक जो बुद्धि है ना, द्वितीया बुद्धा धैर्य के पूर्वक ग्रहण किया गया बुद्धि के द्वारा लय कषाय प्राप्त विविच्य लय अथवा कषाय प्राप्त होने पर उससे उसको अलग करके समझ कर विविच्य अलग करके समझ कर तस्याम एव सम प्राप्त उस समाप्त ईश्वर प्राप्त करते उस अवस्था में अति प्रयत्न स्थापित है ना, अत्यंत प्रयास पूर्वक खींच की होकर वो हमें उनको स्थापन करना चाहिए। तो ये मैं बोल रहा हूँ ये बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा बोले हैं। क्या बोलते हैं, आत्मा के मन को सम्मत रूप से स्थापन करके और दूसरे किसी भी विषय में मन को नहीं लगाना चाहिए। आत्मसंस्थम आत्मनि सम्मत रूपेण स्थितम, आत्मनि सम्मत रूपेण स्थितम मन आत्मा में सम्मत रूप में कृत इस प्रकार स्थिति में पहुँच करके न किंचित किंचित उसके बाद फिर मन में और कुछ चिंता जगने नहीं देना। अयम अपि तथे को यहाँ भी हमारे बोध पाराचार्य से कोई कहना चाहे अयम अपि अहम अयम बोध पाराचार्य अपि तथे को भगवता ही हो अत्र सर्वत्र निद्रा एव लय वाच्य इति बोधम। यहाँ पे जो है कि लय शब्द से निद्रा को ही ग्रहण किया जाता है। अत्र सर्वत्र दोनों मतलब चाहे कृष्ण कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की मात हो चाहे महर्षि पतंजलि की मात हो चाहे हमारा महर्षि गोपालाचार्य की मात हो नया शब्द कहीं नहीं कहा गया है। अत्र सर्वत्र लय लय वाच्य इति बोधम होता है वाच्य ठीक है ना। टिप्पणी का देखिए श्लोक को थोड़ा सा जो है और थोड़ा सा खुल करके लिख दिया कि कैसे हमारी मन की स्थिति होती है, कभी भ्रांति भी हो जाती है। हम समावस्था को प्राप्त तो किया या बल सो तो नहीं गया, और कभी सो गया तो हम समावस्था प्राप्त दोनों प्रकार की भ्रांति हो सकता है। यहाँ तक पहला नंबर टिप्पणी भी हो गया और टीका का भी पहला 44 का भी दिखा लय श्लोक अक्षराणी वह करोती ठीक है ना। यही पाएगा श्लोक के अक्षरों को पदों को भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं। एवं भाष्य ज्ञान अभ्यास वैराग्य द्वयो उपाय भाषण ठीक है। हमें वेदांतिक साधना क्या है, ज्ञान अभ्यास और वैराग्य वेदांतिक साधना है ना। मैं जब ध्यान पूजा ये वहाँ अभ्यास किसी नहीं करता, परंतु और इसके लिए आपको और किसी के साथ मतलब किसी की आवश्यकता नहीं है। मन में केवल कोई भी वस्तु देखे मसी सच्चिदानंद भगवान कहीं भी है शरीर पर ये हो गया मेरा ज्ञान अभ्यास और वैरा मतलब किसी भी वस्तु की मुझे क्या आवश्यकता, शरीर धारण के लिए जितना भगवान को चाहिए अपने आप लाए बस इतना। ये दोनों में हमको वेदांतिक साधना है। एवं अनेन इस प्रकार से इस विचार के द्वारा मतलब ज्ञानाभ्यास वैराग्य द्वयो उपाय तृतीय कुछ के साथ ज्ञानाभ्यास और वैराग्य ही हमारे लिए उपाय है। इन दोनों उपाय के माध्यम से लय सुषुप्ति लीन संबोधये मन सुषुप्ति अवस्था में मन जो लय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उसको जगाना चाहिए संबोधन भक्ति जगाना चाहिए। लय सुषुप्ति लय शब्द मतलब ज्ञानी निद्रा अवस्था में जब मन चले जाता है जो लीन मन संबोध है लय प्राप्त किया हुआ मन को सम्यक रूप से जगा देना चाहिए है ना। सम्यक रूप जगाना चाहिए तब तुरंत मन जग करके ही फिर विषय को दौड़ने लगता है। अब हम इसीलिए बोलते हैं आत्म विवेक दर्शन योजये ठीक है। जगाना मतलब क्या है कि विवेक पूर्वक आत्मा क्या वस्तु है इस विचार में मन को लगा देना चाहिए। आत्म विवेक दर्शनेन योजये है ना, विवेक पूर्वक आत्मा विवेक मतलब शरीर इंद्र मन बुद्धि के साथ मिलकर के बैठा हुआ शुद्ध चेतन तत्व
विविध पूर्वक विचार करते हुए शरीर इंद्र मन बुद्धि से इस आत्मा को अलग करके समझने के लिए प्रयास करना आत्मविवेक का दर्शन है ना योग में ये वहाँ पे एक नंबर दो नंबर टिप्पणी लिखा गया है एक नंबर टिप्पणी आत्मनि विवेक मन भेद तस्य दर्शनम विज्ञानम के नित्यत्व आत्मा में आत्मनि विवेक मतलब आत्मा में विवेक मतलब विचपिचक भावे मतलब एक संघात के साथ रहते हुए भी ये जड़ और चेतन में जो भिन्नता इस विचार से ये मन भेद मन की एक विशेष स्थिति मन पर उस समय केवल देखते हैं जड़ को और घन हो रहा है चेतन देखते हैं नाम रूप अर्थ क्रियाकारिता और ग्रहण किसका होता है सच्चिदानंद हाँ वस्तु है हमें समझ में आ रहा है हाँ देखो एक यही अंक हमारे लिए आनंददायी है हम मान लीजिए एक वस्तु को लेकर के व्यवहार करके भोग करके जो मिला और आप केवल वस्तु देख करके अरे इस समय उपयोगिता नहीं है क्या करना है इससे यदि स्पष्ट उस समय मन की स्थिति को देखना आनंद की देखना एक कोई व्यक्ति वस्तु का प्राप्त करना चाहते थे वो आपने मेहनत करके प्राप्त कर लिया उसके एक आनंद और अभिष्ट वस्तु आपके पास है उसके प्रति बिल्कुल वैराग्य दृष्टि से उसको तुच्छ भाव में लेकर देना उस समय मन की स्थिति को देखना अपने मन को देखना क्या मन तो अपने ऊपर अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाता है कि संसार की कोई वस्तु को हमें दूर नहीं ये जो है ना आत्मविवेक दर्शन है ना जो है आत्मनि विवेक मनोभेद तस्य दर्शनम विज्ञान उसको ठीक से समझना इसलिए हो गया विज्ञान तेन इस प्रकार इसके द्वारा आत्मविवेक का दर्शन ठीक है ना आत्मा संबंधित विवेक एक मन की विशेष स्थिति है और उसको उस मन को दर्शन मतलब उस मन को विशेष रूप से समझना यही इस उपाय के द्वारा मन को क्या करना है लय संबोध है जलाना चाहिए लो लय आत्मा ने इस प्रकार आत्मा में लगाना चाहिए किसको मन को इसलिए चित्तम मन इति अनर्थांतरम लय संबोध है चित्तम मन को लेकर के विचार करते बोलते भाषाकार बोलते हैं यहाँ पे अंतकरण को यहाँ एक साथ मन केवल संकल्प विकल्प करते हैं चित्त क्या करते हैं उसको संस्कार रूप में अंदर ग्रहण करते हैं बुद्धि भी उसको निश्चय करते हैं अहंकार उसमें मेरा ठप्पा लगा देगा ये सभी मिलकर के अंतकरण बोलते हैं तो चित्तम मन इति अनर्थांतरम चित्त और मन जो है तो भिन्न वो नहीं है सारा कार्य अंतर में भिन्न ये हो गया लय संबोधय चित्तम फिर उसने क्या बोला था विक्षिप्तम समये पुनः विक्षिप्तम च विक्षिप्त क्या होता है काम भोगेशु भोग वस्तु की इच्छा और भोग वस्तु की भोग इससे जो मन में विक्षिप्त उत्पन्न है उससे फिर मन जगने के बाद फिर भोग वस्तु की इच्छा करते हैं उसमें मन को पुनः समय उसको संयमित करना चाहिए एवं इस प्रकार पुनः पुनः अभ्यसत इस प्रकार एक दिन की नहीं दीर्घकाल निरंतर न सत्कार से भी है ना लंबा समय तक निरंतरता के साथ और आदर पूर्वक करते करते एवं पुनः 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 अभ्यास अभ्यास के फल से लया संबोधित विषयेभ्य व्यवर्तित ना कि साम्यमापन्नम ठीक है ना तीन चीज ध्यान में बोलते हैं आपने श्रोता भी नहीं है विषय की तरफ भी नहीं जाता परंतु उस समता के भाव को प्राप्त भी समता के भाव को प्राप्त भी अंदर अंदर पर विषय होता है एवं पुनः अभ्यास लया संबोधित विषय व्यवर्तित परंतु ना भी साम्यमापन्नम उस समता की व्यापकता की पूर्णतम भाव को प्राप्त नहीं इस अवस्था का प्राप्त नहीं करता है अंतर अवस्था में एक बीज की स्थिति है सराग बीज संयुक्तम लिखिए जो भगवद गीता में ना विषया विनिवर्तन निराहारस्य देहि रसो वर्ग रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन है ना ठीक है आपने अभ्यास किया विषय का ग्रहण नहीं हो रहा विषया विषय निराहारस्य देहि विषय हम नहीं करें परंतु रसो वर्ग जो रसोप्यस्य परंतु उस व्यक्ति का विषय में जो रस है अपना इसमें वो तब तक नहीं जाता जब तक उस पूर्णता के समाप्त वो चीज ले जाता है परम दुष्पा निवर्त है जब परम तत्व संस्कार होता है वो निवर्त होता है हम इसको अपनी तरफ से यदि समझने का कोशिश करेंगे विषय ग्रहण की इच्छा भी नहीं अथवा किसे भागने की भी इच्छा है परंतु अचानक अपने संस्कार के कारण ऐसा कुछ विषय चिंतन मन में आएगा
हम भाव अभिव्यक्त नहीं हो रहा, परंतु मन को जो है वो अभिष्ट नहीं है, है ना। इस राग रूप में भी हो सकता है, देश रूप में भी हो सकता है, किसी का अनुकूल के रूप में प्रतिकूल के रूप में, दोनों नहीं होना चाहिए। दोनों नहीं होना चाहिए। अनुकूल हो गया तो हम विषय धर्म का ये बात नहीं है, प्रतिकूल कुछ नहीं, हम बाहर कुछ अभिव्यक्त नहीं है, परंतु अंदर अपने में जो है क्षमता है। ये थोड़ा कठिन स्थिति, ये थोड़ा कठिन स्थिति, धीरे धीरे अभ्यास करते करते तो जितना सूक्ष्म रूप में विचार किया जाएगा, और इसी को जो है मधुसूदन सरस्वती पूरा उद्धृत किया, इसी को षष्ठ अध्याय में ना इसी को योग हमारे भगवदगीता षष्ठ अध्याय एवं पुनः पुनः अभ्यस कलया संबोधित विषय व्यवस्थित नामी सनाति साम्यम आपन अंतराल अवस्थम सकसय, जो सकसा स्थिति है उसको जो है सराग बीज संगीत की बीज बीज अवस्था में नाग का बीज सब बीज होता है बीज से मतलब मन मन उस मन की विशेष स्थिति है उस समय पूरा की पूरा है क्योंकि बीज अवस्था मतलब कि राग देश के जो बीज ये अच्छा ये पूरा बीज सही चीज वो चीज जो है नहीं रहता मन की जाती। अब जो है इस समय से भी तत्वी इस भाव से भी जब नत प्रयासपूर्वक साम्यम आपा गई वहाँ से भी प्रयास करते नहीं नहीं एक मंत्र आत्मा भी संसार में कुछ भी नहीं है। जिस वस्तु के प्रति थोड़ा प्रीति के कारण हमारा सन मतलब राग अथवा देश के बीज राग अथवा देश के बीज मन में थोड़ा सा मतलब आपके अंदर ही कुछ वेदना कुछ उत्पन्न करता है उसको आप नाश करना है ना। इसलिए बोलते हैं तत्व अपनी यत्न कर साम्यम आपन उससे भी प्रयास पूर्वक अपने मन में क्षमता की भाव में जाने का कोशिश करें। यदा उस समय प्राप्त अब क्योंकि मन ठीक है वो बीज के कारण मतलब सोता भी नहीं है अन्य सारे सोता नहीं है लेकिन लगा ही जाएगा हमेशा अथवा विषय के प्रति आकर्षण भी नहीं होता और मन से भी किसी के प्रति लाभ देश के बीज अच्छा बोला ये भी मन से दिखा देता है इस स्थिति को प्राप्त करता है। यदा उस समय प्राप्त भवती मतलब सम प्राप्त अभिमुखी भवन सम प्राप्ति की अभी हुआ नहीं सम प्राप्ति की अभिमुखी हो रहा है मन युद्ध क्या हुआ लय से आपने जगाया विषय की ओर जाने नहीं किया परंतु मन ही मन को एक ऐसा अवांछित चिंतन आ गया फिर धीरे धीरे उसको भी आप छोड़ देते हैं ना केवल आत्मनिष्ठ होकर आत्मचिंतन सम प्राप्त सम अभिमुखी भवन इस समय मन इस प्रकार समता की अभिमुखता आ जाता है इतिहास तथा अब उस अवस्था में तब न विचार है इस प्रकार की मन को यहाँ इसलिए भी कुछ इस समय हमारी भ्रांति ना हो जाए कि फिर मन लय में चला गया एक संभावना रहता है कि फिर मन लय में चला तो इससे भी तब ठीक से समझ करके कषाय भाव और लय वहाँ पर विक्षेप नहीं होगा इस अवस्था में आकर के आपको विक्षेप नहीं होगा परंतु ये भ्रांति हो सकता है कि मन लय में तो नहीं चला गया आपका मन सकाशा भाव में तो नहीं है इसके साथ प्रवीण करते हैं समभाव के साथ स्वभाव के साथ इस दौर में थोड़ा सा कभी ऐसा कन्फ्यूशन आ सकता है मन परंतु धीरे 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 अब इस तरह के जो हम श्री भगवत गीते किस लोग नाश्यामी आत्मभावस्थ ज्ञान है ना। इस समय ही भगवान काम करते हैं इस समय भगवान काम करते हैं इस समय यदि हमको नहीं समझ पा रहा है तो इस समय सीधा सीधा भगवत मुख्य होगा तो क्या बोला भगवान से तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामी आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भाष्य है ना। इस चीज को यहाँ पे मान लीजिए हमको समझ में मन सो भी नहीं रहा है विक्षेप भी नहीं रहा है लग रहा है भगवान ही क्यों हमें आने के बाद इस समय भगवान को बड़ी मतलब यहाँ जिसने यहाँ तक लाया उसको हमको अभी तक नहीं पहुँचा नहीं बस इस भाव को पकड़ के रखिए तो नाशयामी आत्मभावस्थ को समझ में आ जाएगा कैसे कैसे यदा तो सम प्राप्त भगवती सम प्राप्ति अभिमुखी भगवती थी अर्थ तथा तब न विचार उस समय मन को जो है फिर विचलित नहीं करना चाहिए विषय अभिमुखम न पूरी आदि थी मन को भी विषय चिंतन करने बस भगवान की अभिदेश कैसे भी हो किसी प्रकार से मन को भगवान में ही लगा के रखना चाहिए ये होगा चाहे वहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी को शुरू किया था ना पुनः पुनः अभ्यास ठीक है उसको नंबर अभ्यसत मतलब अभ्यसत लिखा है अभ्यास टिप्पणी का बोलता है
क्योंकि अभी उपसर्ग है ना, अस्थान है अभ्य अभ्यस और आस्थान में, आस में क्या बैठना और अस्थान में देखना। टिप्पणी कर बोलते आस्था विषय को, मतलब मन को बैठाओ। अभ्यस्यत है ना, ये अभ्यस्यत यहाँ पे आकार लगेगा तो आस्था को अभी उपसर्ग आस्था को अभ्यस्त अभ्यस अभ्य तस्वीर प्रत्यय अभ्यास के फलस्वरूप ये चार नंबर जगह तो सम प्राप्त भवती सम प्राप्ति अभिमुखी भवन भगवान भाषा लय प्राप्त में यह श्लोक में क्या दादा सम प्राप्त न चाले भगवान भाषा कहते नहीं नहीं आपका सम प्राप्त पहले नहीं होगा, सम प्राप्ति की अभिमुखता होगा, अभिमुख है ना। तो उस पर तो चार नंबर सम प्राप्ति अभिमुखी भवती सम प्राप्ति आसन्न भवती उस समय समाप्ति की प्राप्ति की आसन्नता नजदीक पहुँच जाते हैं। निरोध आसन्न विद्या मतलब ये निरोध स्थिति है ना, ये इसका विपरीत है। आप देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं कि श्लोक अक्षराणी व्याकरण ये हो गया ज्ञानाभ्यास, ज्ञानाभ्यास क्या है श्रवणादि आवृत भगवान भाष का दो शब्द बोला ज्ञानाभ्यास वैराग्य द्वय उपाय ठीक है ना। ज्ञानाभ्यास क्या वस्तु है श्रवणादि आवृत्ति विषयेषु क्षयिष्णुत्वादि दोष दर्शन वैतृष्ण वैराग्यम लय निद्रा। आपको देखिए ज्ञानाभ्यास पहले बोल करके आया था, क्या बोल करके कि तत्चिंतनम तत्कथनम अनन्यम तत्प्रबोधनम एक ज्ञानाभ्यास विदुरुधा मतलब तत्चिंतनम व्यापक चिंतन तत्कथनम उसके बारे में रखना अनन्यम तत् प्रबोधन आपस में विश्वव्यक्त के विचार करना और यही हमारी जीवन की प्राप्त है। इस प्रकार से उस मन को लगा के रखें इसको ज्ञानाभ्यास बोलते हैं। तो अब टिप्पणी का दे दिए लोग वशिष्ठ के हैं और वन पंचकृष्ण भी आया दे दिया ज्ञानाभ्यास श्रवणादि आवृत्ति ठीक है ना। ज्ञानाभ्यास किसका तो गया श्रवणादि की आवृत्ति आप सुन बार बार श्रवण करना आदि से कह देंगे मनन निधि ध्यास हाँ बार इसने बोला यहाँ पे इस विषय में यहाँ पे शंका हुई थी पर उसका से समाधान किया जा सकता है। परंतु यही सत्य है इस प्रकार से श्रवण आदि आवृत्ति श्रवण और मनन के आवृत्ति के फलस्वरूप निश्चय उसको पकड़ के रखें। एक हो गया ज्ञान अभ्यास और दूसरा क्या बोले थे वैराग्य वैराग्य कौमा लगा लेना ज्ञान अभ्यास श्रवणादि आवृत्ति ठीक है ना। अलग कर लिखने से तो आसान से पढ़ लगे। अब दूसरा क्या हो गया वैराग्य विषयेषु क्षयिष्णुत्वादि दोष दर्शन वैतृष्ण्यम वैराग्य है ना। विषय प्राप्ति से पहले दूर, विषय प्राप्ति के प्रयास में दूर, विषय प्राप्त होने पर भोग में दूर, विषय की क्षय होने पर दूर और विषय चले जाने पर दूर, पांचों स्थिति में विषय दुखदायी ही है। इस प्रकार विषयेषु क्षयिष्णुत्व आदि आज है कल निश्चित ही नहीं रहेगा, आज प्राप्त हुआ ये क्षय होगा, आज आया है तो कल जाएगा। इस प्रकार बार बार इसीलिए इसको प्रयास करना चिंतन करने विषयेषु क्षयिष्णुत्व आदि आदि से वगैरह ये सब देखना मतलब प्राप्त करने से पहले दूर, प्राप्त काल में दूर, भोग काल में दूर, क्षय होने के कारण दूर, नाशन के कारण दूर, क्योंकि दूर दोष दर्शन है ना वैतृष्ण वितृष्णा वित विगत तृष्णा और वित तृष्णा के जो भाव उसको होता है वही तृष्णा इसको बोलते हैं वैराग्य। ये दो हो गए तो ज्ञानाभ्यास वैराग्य द्वय उपाय न उपभाष्य का पंक्ति का दो शब्द का अर्थ करने का था और लय शब्द का अर्थ क्या गया निद्रा लय निद्रा संप्रबोधन इव अभिनय थी वहाँ पे जो है कि क्या संबोधे क्या बोला वहाँ पे सुषुप्ते लीनम संबोधे कैसे संबोधित करें उसको मतलब उसको जगाए कैसे संबोधन को बोलते हैं संबोधन एवं संप्रबोधन संबंध उसको जगाना संप्रबोधन एवं अभिनयति उसको दिखाते हैं भगवान कैसे करता है अभिनय क्या आत्मविवेक दर्शन योगये ठीक है ना। जड़ और चेतन की विवेक करना विवेक मतलब पृथक भाव बीच पृथक भावे जड़ से चेतन को पृथक करके पहचान ही अभ्यास करें ये अभ्यास है ना जरा जरा चेतन भिन्न में अच्छा
फिर मनसी वहाँ पे तो लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समय वहाँ पे तो दुखा मकर मन को लेकर के विचार किए थे। फिर यहाँ पे चित्त शब्द को क्यों प्रयोग कर दिया कार्यकर्ता ने, है ना, चित्त शब्द को, क्योंकि मन की स्थिति को लेकर के आपने बोले थे तीन स्थिति ना, उच्छेक उदयन वकुशल मनुष्य निग्रह तत्व वहाँ पे देखे 41 में मन को लेकर के बोले थे उच्छेक उदयन जनपद कुशा निर्णय का बिंदुना मनुष्य निग्रह तत्व भवे का परिखेद। तो मन को लेकर के विचार कर रहे थे आप, पहले चित्त को फिर क्यों बनाए गए संबोध है चित्तम क्यों बोल रहे हैं आपको, आपको मन बोलना चाहिए, है ना। 41 में देखिए ना क्या लिखा है, मनुष्य निग्रह आप मन निग्रह को समझा रहे हैं ना, तो चित्त क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि मनसी प्रकृति टीकाकार बोलते हैं मन को लेकर के विचार चल रहा था कि मुझे चित्तम उच्छा थे, फिर चित्त को कहाँ से बोलना शुरू कर दिया आपने। तत्र उसको उत्तर भगवान भाष्यकार बोलते हैं चित्तम मन अनर्थम तरम चित्तम मन को चित्त शब्द बोला ठीक है नहीं बोला अक्षरम गाई पत्ते के ऊपर तो रख दिया गया ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद कोई लाइक चलना वे लगना नहीं था ठीक है अरे उसका भी पहले वाला बोले अंतिम में ना अजम अपियम योगम प्राप्यदैश्वर्य योगा शंकर शंकराचार्य।